by the mouth of Shatrapati. Early when the world was created, and when world creates, is created, again it comes. इसलिए ये नित्य है, इसमें प्रारंभ से दास्य भाव से लेकर के नमामि ईश्वर से लेकर और राधा दास्य तक नमो राधिकाय सब कुछ इसमें भरा गया। फ्रॉम दास्य अप टू मधुग्रस्त विद दास्य ऑफ श्रीमती राधिका नमो राधिकाय नमामि दास्य नमो राधिकाय ऑफ मधुरस अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज क्वालिटी एनी साधक कैन रिसाइट नो हाउ सभी लोग उसका पाठ कर सकते हैं। इसलिए ये नित्य है, केवल कार्तिक महीने में ही नहीं इसका पाठ सब समय किया जा सकता है। जैसे गुरु मंत्र का हम लोग सब समय करते हैं उसी तरह से इसका भी किया जा सकता है। एवरीवन कैन रिसाइट दिस मंत्र दिस अष्टक इवन इन ऑल मंथ्स नॉट ओनली इन कार्तिक। इसके द्वारा कृष्ण की ज्यादा दामोदर की भक्ति होती है। हम लोगों को इसमें कुछ छोड़ने के लिए गुरु जी ने कहा है, हमारी परंपरा ने कहा है इस महीने में दो चीज का छोड़ना होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। और रिसेंटली आचार्य है तो दैट इन दिस मंथ विल हैव टू गिव अप टू थिंग्स externally and internally. Though we give a stretch on outwardly, we should try to give more attention carefully internally. Outwardly like this, each mahine mein root mat bolo, don't tell like in this. किसी विषय का अन्न मत खाओ, डोंट से एनीथिंग फ्रॉम एनी विषय। मंडे वल्ली महाप्रसाद जी इज अफर्ड टू कृष्ण बाई गुरु एंड वैष्णव दिस थिंग साधने दो इन्हीं को कल ग्रहण करो। ठाकुर जी को समर्पित ये चीजों को ग्रहण कर दूसरा चीज मत खाओ। यदि पानी भी पीना है एक ही वाटर से एक वाटर ये शुद्ध अफर की शुद्ध राधा कृष्ण एंड गुरु को एंड दैट्स इट अदरवाइज इट विल बी बॉयल ये निशान को हो जाए। रूट मत करो बोलो डोंट टेल लाइक डोंट चीट एनीवन डोंट नेवर किसी को वंचना मत करो किसी का चीज कोई चीज मत चुराओ डोंट स्टे एनीथिंग विदाउट टेलिंग यू कैन प्रे फॉर एनीथिंग बट डोंट टे विदाउट हिज परमिशन एनीथिंग इफ लेस देन लैक डॉलर इज देयर डोंट टच अदरवाइज भक्ति विल गो आप उसको मत छूइए डोंट टच। Don't see any lady with lust. खबरदार मत देखो। You should treat her like your own sister, like your own mother, like your own daughter. Any lady should be very careful in this month, especially no lust, nothing. Don't laugh with any boy.
जब तू दिलक जी दिलक जी मैंने जो क्यों नहीं वेरी केयर टू गेट दिस एंड दिस विल बी फॉर होल लाइफ ट्राई टू टेक ऑल दिस दिस आर आउटवर्ड डोंट टेक होम डोंट take any chai, cup, or coffee, nothing. Don't do chatter-patter. What do you think? Try to only chant Hari name and to ask Hari Katha and to hear Hari Katha. Well, suddenly, Hare Krishna, Jai Radhe, Jai Radhe, like this. Hare Krishna Station. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, like this. Don't tell your worldly, apne sansarik vyavahar ke baat se mat baat karo. My path, my material life, my heart and has left me. Oh, my wife is cheating me and he can you tell that she should be submissive to me? Not like all these. In such situations, do that. Or, each महीने में जो चीज है निषेध की गई है उनका मानना है राधा दामोदर की इंटरनल कुछ कह रहा हम कह रहे कि सम इंटरनल अपने हृदय की जितनी भी बुरी बातें हैं उसको निकालने की कोशिश करो यदि आउटवर्ड नहीं है इंटरनली है राधा दामोदर की सेवा नहीं होनी चाहिए विश्व वर्षित राधा दामोदर के But Gurudev has given more in that book. Radha Dhamma. If आप नहीं आकर कर सकते हैं कोई बात नहीं है और सब देती है ये तो स्वयं मंगल आरती विदाउट विदाउट पैर मंगल आरती ये तो सी हाउ दे आर डूइंग एंड डूइंग चिंता दिस इज it is not necessary that we should all worship. क्योंकि हरे नाम हरे नाम ही हो केवलम कलो नाम से वना देव गति दो हुआ का सिटिंग वेरी गुड they should worship continue but if there are no meeting and chanting हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण and doing all these things like चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर किसी प्रकार से भी चित्त कृष्ण में लगा रहे जैन के न उपाय न कृष्ण इस महीने में कंट्रोल करके जिस किसी भी उपाय से हो कृष्ण के चरण में राधा जी के चरण में हमारा चित्त खाते इन एनी हाउ We should try to give our heart and mind and soul. Remembering, hearing, chanting, all these things. Sometimes we can do Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. In number, counting number. But sometimes with tears we can tell, we can sing, Gauranga Govinda Hare Krishna with heart and soul. So that fear must come. Don't take it by abhyas, by practice. Automatically it will suffer. When you do kirtan, you should try to pray like this in heart. So we'll have to follow up. Internally, how we can give our heart
in the Lord's feet of Radha and Damodara, Radha and Krishna, Radha Govinda Gopinath, Chaitanya Mahaprabhu. These are symptoms. So we should try to give up all the bad things which are not helpful for bhakti, and those who are helpful for bhakti we should try to accept. If in parikrama we are going anywhere, anything past, war, money, shop, anything anyone has left, you can take and give to those who are managing. They will announce and they will give. If you are doing so, then your bhakti may go. Don't touch creepers, trees, try to save ants, see, lower, niche ki save the downward, and walk. Huh? चलो नहीं तो तकलीफ कुछ चीते पीते मर जाएंगे. Try to see and believe that the trees, creepers, animals, ants and insects are all transcendental. Have this belief. Even the dust of Vrindavan, Brajamandal are transcendental. वो सभी शुद्ध सचिन में है, सच्चिदानंद में है, कृष्ण की लीला के लिए ऐसे है. They are all transcendental and they are from serving Krishna. So you have put this belief. I think if you try to do all these things for 1 month, it will be natural for whole life in your mind. And thus, you will develop your Krishna consciousness. अपने कृष्ण कॉन्शियस को, कृष्ण के प्रति प्रेम को आप लोग बढ़ा सकते. हम लोग बड़े अच्छे ढंग से सवेरे शाम तो पाठ कीर्तन करेंगे, रास्ते में भी जाएंगे. मान ले कि मैं ले भी गया कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं चल सकता, परिश्रम नहीं कर सकता जितना कर रहा हूं. What I am doing now, it is except for me. But yet I am. I cannot check myself. I must do. But I will try to check myself off. So if I am not going, don't think that Maharaj is not going, so I should not do that. मुझे नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं. अरे महाराज जी से छोटी कुल बड़ी की आंखें डूबी है, वो धाम है, बंसी भट्ट है, सेवा कुंज है, राधा दामोदर जी में झाड़ू मंडल है, श्रृंगार भट्ट है, इनको ध्यान से दर्शन करेंगे, इससे भक्ति होती है. अब विशेष करके हमारा भी आगे, इसलिए हमारे लिए प्रतीक्षा मत करेंगे. डोंट वेट फॉर मी दैट ओ महाराज इज नॉट गोइंग सो आई शुड डू दैट. ऐसा सभी लोग जाएंगे और बड़े प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में परिक्रमा एंड डू परिक्रमा with very strong faith and belief. Namami swaram sachidananda rupam lakakuntalam gokule tajaman jasodabhyol khalathavamanam jasodabhyol khalathavamanam साधारण में इसका अर्थ यह है कि कौन महाराज और नारद का उपाख्यान है, उसमें है नारद जी, उसमें जड़ित है नारद जी का तो नमामि ईश्वरम. मैं सचिदानंद स्वरूप
स्वरेश्वर नंदनंदन को मैं प्रणाम करता हूं, जो गोकुल को एकदम उत्सव जैसा बना रहे हैं, परम सुंदर रूप में गोकुले भाजमान जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अथवा जो गोकुल को और सुशोभित कर रहे हैं, कानों में कुंतक झलक रहे हैं, जसोदा जी क्यों क्यों ये भागे हुए जले जा रहे हैं, जसोदा जी जसोदा मैया के तट से उलू खलास भाव मान उलू खुद से कर दौड़ रहे हैं, ब्रज की गलियों में गोकुल की गलियों में दौड़ रहे हैं, और जसोदा मैया उनसे भी तीव्र गति से कुछ रोष पूर्वक हाथ में लठिया लेकर उनके पीछे में दौड़ रही है, और पीछे से जाकर पीठ की तरफ से उनको जाकर के तो द्रुत्य हो गया। कृष्ण जितना दौड़ रहे हैं उसे और अधिक तेजी से दौड़ सकते, पीछे से जाकर ईश्वर ऑफ ऑल ईश्वर सर्वेश्वर ईश्वर आदि एवं अनादि हुई नंद नंदन यशोदा क्या उसमें छिपा हुआ है
कृष्ण यशोदा मैया को जो प्रीति करते हैं और यशोदा मैया कृष्ण को जो प्रीति करती है, कृष्ण की प्रीति यहां पर छोटी हो जाती है और यशोदा मैया की प्रीति अधिक बड़ी हो जाती है। कृष्ण लविंग यशोदा ऑल्सो श्रीमती यशोदा has so much affection and love to Krishna, whose love and affection is highest. Krishna affection to Yashoda and Yashoda affection to Krishna. Yashoda affection and love is more superior. So those whose love and affection is highest, it will control others. So Yashoda is controlled. They run so quickly more than Krishna that he was controlled. And he from backside he called Krishna. Dig Dashnati Ka. I'm going to have drink because for some 50 years and explain it in so many ways. So I will explain because I will have to finish it in time. Daily one is slow. Otherwise it will take so much. I will have to speak so many things because you are new one. And you are from so many far away whole world to learn something. So I will have to give so many things. Here Sanatana Goswami is saying, telling in his Diggarsani Pita, we are also in the guidance of this Pita, we are can explain something. Hum log isko Diggarsani Pita sansar mein thoda sa is Diggarsan ke dwara dikhlaye. बतला रहे अब श्रीराधा सहित नत्वा दामोदरम ईश्वरम दामोदर दिगेशा दर्शते पुनः ये सनातन गोस्वामी जी ये श्लोक का अर्थ यदि करें तो लाख जन्म में पूरा नहीं होगा। नए नए इसे अर्थ इस श्लोक सनातन गोस्वामी कहते हैं आई कैनॉट एक्सप्लेन दिस श्लोक फुल्ली एंड ओनली दिग्दर्शन क्या ओनली पॉइंटिंग आउट लाइक दिस लाइक सन इज कमिंग हियर ऑन द रूफ लाइक दिस वेयर इज सन इज ओ हियर ऑन द रूफ ही इज नॉट ऑन द रूफ but for a boy we are telling that, oh boy, see, my son, son is on the roof. Aise hi, saha chandana aise kare. Namami ka prayog hota hai, daas-sulu ka kare. Main tumhe pranam karta. Yahan par priti khub gahri nahi hai, abhi shraddha hai. Where there is a mood that means first worshipable and I am Dasya. He is my guru, he is my father, mother. He is so much superior to Atme. वहाँ पर हम नमामि शब्द का प्रयोग करते हैं। We use this नमामि. So if Krishna, नमस्कार to Krishna. It means that he has some aishwarya mood there. उनका aishwarya भाव है इसलिए वो नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार किस लिए करेंगे? हमारी अभिलाषा पूर्ण। Why nmaskar? What I want? I can have from him. What he has that mood? उनका mood क्या है? क्या चाहते हैं? नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूप इसमें है
चतुर्थ श्लोक का अंतिम आपका बाल गोपाल मुख हमारे हृदय में स्तुति हो और परों की जरूरत नहीं है, बहुत से पर है दरअसम नहीं देनी दीक्षण बट आई डोंट वांट एनीथिंग बट आई वांट वन देनी दीक्षण दैट यू शुड बी काजल एंड वाटर शुड कम हियर एंड यू शुड डू एंड दैट वेरी your face should come in the past. I don't want less and less the kinds of benefit. I want. So this book should come out of my heart. So I am Namami Ishwaram Satya. Ishwaram, I know that you are so much powerful. You can control whole world, even keep world and every world. So why this thing you cannot give? Aap jarur de sakte hain, isliye inko kehna. प्रणाम करने से आ जाएगा किसी को हम प्रणाम करते हैं मांगते हैं तो कोई चीज आ जाएगी कि इसी बात में नमस्कार टू एनीवन एंड आस्किंग एनीथिंग बेगिंग एनीथिंग इट मे कितने कम विशेषकर के राधा दास या कृष्ण का दास से आ जाएगा दूसरा कोई उपाय नहीं है नमामि कब करेगा जबकि शरणागति हो इफ देयर इज प्रणामरण If anyone has surrendered fully to anyone, and then he is begging that I am yours, I want to and Krishna begging. यदि पहले ये कहे कि है कृष्ण मैं आपके शरणागत हूँ करिष्ये तव वचनम तव मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं आपका शरणागत हो गया आप जैसा उचित हो हमको बतलाएं अर्जुन इस प्रकार से कहा ऐसे ही ब्रह्मा जी कृष्ण के शरणागत हुए मन में मुझे सारी जो सृष्टि इत्यादि की बातें फिर सबको को आ गई इसलिए साधक को सबसे पहले शरणागत होना होगा विल हैव टू सरेंडर फर्स्ट टोटली सरेंडर देयर आर टू काइंड्स ऑफ शरणागति पहला भक्ति का दरवाजा और उसमें जो अंतिम जो है आत्मनिवेदन प्रणाम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस आत्म निवेदन ये एक दूसरी ये पुस्तक आत्मनि शरणागते अकिंचने एक ही लक्षण तार मध्य प्रवेश है दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण तेई कार्य कृष्ण कार्य करे आत्मसमर्पण शरणागत और अकिंचन दोनों एक ही समान जैसे दिखते हैं शरणागत एंड अकिंचन दे सीम लाइक सेम थिंग बट फॉर डिफरेंट अकिंचन इज मोर सुपीरियर सो मच सुपीरियर अकिंचन जो भक्त होता है उसमें आत्मसमर्पण रहता है इसलिए वो श्रेष्ठ है और शरणागति में अभी आत्मसमर्पण अभी नहीं आता है अभी चेष्टा कर रहा है ये कैनॉट बी दी आत्मा को तो नमामि मीन्स ओ प्रभु आप सब समर्थ हैं कृपा करके हमारी उत्पत्ति दीजिए मैं आपके शरणागत हो रहा हूं इफ एनीवन प्रे टू कृष्ण प्रे टू गुरुदेव Pray to Vaishnava like this, like Narottam Thakur. Echaya Gosai Mahatma Kari Charana Bandhan Jayate Vighna Nash of Abhishta Puran. Echaya Gosai Jave Vrije Kailenba Radha Krishna Nitya Lila Echaya Gosai Jar Moon Star Das Very beautiful. You have to think so much about it. If there is surrender, if anyone is surrendering, and then praying that that thing will come easy. And those who are not doing like this, only from mouth they are telling, not from heart, unki kripa nahi. Isliye ye telling. Aur Krishna sab samarth hai, iske liye ye batla rahe hain. फिर
यशोदा जी को उलाहना दिया। कृष्ण बहुत तेरा नरसक हो गया है बच्चा होने पर भी, घरों में चोरी करता है, मक्खन चुराता है और बंदरों को बांटता है, अपने भी नहीं खाता है, कभी उसको बांटता है, कभी अपने लेता है, दूसरों को देता है। संडे सो मनी गोपी असेंबल टू यशोदा मैया एंड दे वेयर टेलिंग अगेंस्ट कृष्णा, दिस योर बॉय इज नाउ सो मच नॉटी, ऑलवेज डूइंग समथिंग, painting boys, entering in any gopi's house, stealing butter and so many things. And if there is no butter, then he picks the boy. Sometimes he unties the cock and the cock taking milk of their mother. And Krishna is telling, oh mother, this cock is taking all the milk. Then she runs towards them. उस समय उनके पीछे पीछे दौड़ती है और कृष्ण पीछे से सभी आकर के मक्खन खा लेते हैं। What I do? That Gopi is running after that calf and her house is vacant. So all children and Krishna go to that house and they see the butter. Sometimes, कभी कभी कोई गोपी कृष्ण को पकड़ लेती है। उस समय कृष्ण कहते हैं मुस्कुराते हुए, मैया क्यों हमको पकड़ लिया? तो तुम मक्खन चोरी कर रहे थे, मैया ये किसका घर है? हमने सोचा था मेरी भैया का घर है, तू मेरी भैया है और तुमने हमको पकड़ लिया और ऐसे मुस्कुरा दिया जो उसका बंधन जीता हो गया। वो भाग गए बच्चों के साथ। कृष्ण एंटर्ड इन एनी गोपीज हाउस एंड शी एट वंस कॉट हैंड रेड हैंडेड कृष्ण हैंड एंड शी इज आस्किंग कृष्ण, oh, why you entered it here and why you are stealing butter and oh mother, I thought that if you are my mother and I am entering in my house, in my room, own house, now you are telling that this is your house, not mine. I thought that this is my house and you are my mother. Now I am thinking that you are not my mother. Are you not my mother? Like this. And she began to laugh and she became moved. And thus Krishna came out of his hand and fired away with all the boys. Sometimes one day, one gopi caught him red-handed. His mouth was full of butter and hands also. Gopi asked Krishna, why you were stealing my butter? He said, I was not stealing. So why you entered here? Oh, my cock was running here and there and he fled away. I was touching him. So where is your that? Oh, he has jumped in your this paw. She told that, where is he? Can you show me? Yes, yes. Okay. And he gave his hand pot inside the pot. And inside the pot there was a marble statue of any cock. And oh, see, this is my stuff. So they used to laugh at all gopis wanted that Krishna should enter daily in my house. इस प्रकार से वो रोज सभी समझते थे कि हमारे घर में कृष्ण चोरी करने के लिए आए, जिसका कोटि कोटि जन्म का सौभाग्य होगा उनके घर में कृष्ण जाएंगे, दूसरों के घर में नहीं जाते। वो द्वार लगती They have done something less and less. But in the guidance of the gopis there or the astrology, or they are reciting mantras like that and doing Krishna can do there. Otherwise, never.
Krishna has never entered in the ashram of Sunara to steal anything. Has he done? Narki ke ashram mein gaya Krishna. Vasudev Devaki ke ghar mein wo gaya. Mathura ke kisi ghar mein he went in Mathura to any Jadav houses and to steal him butter or anything. Never. वो किसी भी ऋषि महर्षि के घर में गए नहीं है। पांडवों ने चोरी किया उनका ये सौभाग्य इसी सौभाग्य को सभी लोग चाहते जैसा था। इसलिए पर ये संत मुनि चाहते हैं कि नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद स्वरूपम। इसलिए कह रहे हैं कि गोपियों की उलाना देने से यशोदा मैया ने कहा हमारा मक्खन खट्टा होता है, इसलिए मैं अपने हाथों से गायों का दूध दूंगी। कौन गाय? पद्म सुगंधा, कालिंदी, चितकबरी, श्यामली, एक गाय, आठ गाय बड़ी सुंदर। वो घर चलने के लिए घर कर नहीं जाती, नहीं तो कागज का आठ की गाय होती तो कागज खा लेंगी, कहीं कट्टी पड़ी होगी उसको भी खा लेंगी। और उस समय में सब घास है, किंतु उस घासों में भी उत्तम घासें सुगंधित घासें उनको खिलाई जाती थी। उस समय की गाय को वो खैल जो उसको खाते हैं ये सब चीजें नहीं खिलाया जाए। शुद्ध विशुद्ध जमुना का निर्मल पानी और सुंदर घास, अपने आप उनको बांधना नहीं पड़ता था, ऐसे ही दूध देती और प्रचुर दूध देती। एट द टाइम ऑफ कृष्णा देयर वाज नन टू कंट्रोल गोपी cow automatically they want to see Krishna and to give milk to Krishna. So Yashoda has 8 cows especially, Padma Ganga and so many. And she told that my matsan becomes sour. That is Krishna goes to other gopi's house and he is doing something. So I will milk myself. And I will make curd and I will turn myself. And then I will give that very sweet makhan to Krishna. Achha, makhan Krishna ko khilaungi. Phir wo chori nahi karega. Isliye, Yashoda Maiya, aaj khud hi doodh dubha, uska dahi banaya aur aaj hi uska maap mat rahe. Bhor mein 4 baje entire morning in at about 4. This month coming from Deepavali before and she was so beautiful. How she was beautiful? If she was not beautiful, then how Krishna was so beautiful? यदि यशोदा मैया इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती तो कृष्ण कैसे होते? इतने जरूर ब्यूटीफुल थे। बहुत ये विशाल कमर क्षीण गोविंद जानो धर्मा तदेची
कपड़े पड़े से सब धोती और ये सब पहन करके बिल्कुल दिगंबर दिगंबर यू नो लाइक जैन सन्यासी कोई कपड़ा नहीं, छोटे से बच्चे अभी दांत भी नहीं उठे, दांत उठे कितने वर्ष के थे? 2.5 वर्ष के, 2.5 वर्ष के थे, वाली दी एज बार 2.5 भैया नहीं है, कहां गई भैया? इधर जब देखा तो कहीं भैया नहीं देखा, देखो नटो सेवा माधव. Then if we can to do, we more loudly. But Yashoda Maiya is not here. He is absorbed in singing. Govinda outside
After taking the kitchen and then that, this yogurt, mathai is coming out, buttermilk is coming out, and the Yashodama is started running after him. So, Yashoda Yolu Khalat Thaumanam Paramishtam Atyan Tatut. Yashoda Maya bhi daud rahi hai, Krishna bhi daud rahi hai. Abhi unko pakadne nahi. नहीं तो यशोदा मैया लटकिया से उन्हें मारेंगी और उनको बांध देंगी, फिर खुले में उनको रात भर ऐसा रहना पड़ेगा दिन भर। इसलिए बाकी कथा को मैं कल आज गौर नहीं है। तो कृष्ण और कृष्ण भाग में बचने की चेष्टा आज के उतर रहे। कृष्ण इज ट्राइंग टू एस्केप एंड यशोदा मैया इज फॉल फॉर बिकम्स आफ्टर वर्ड विद टियर कुमार Go, Brahman. After what is the yard, you can just be ready to go. Now, you have done parikrama in the morning. You have done all. Then, are you parikrama karoge na ki tum jo chalo chalte ho? जल्दी से एक या दो बार तीन बार परिक्रमा करके जल्दी से खत्म करके और अभी थोड़ा सा जलपान करके तब जल्दी से 7:30 बजे तक आप लोग निकल जाएंगे। नाउ सम द ब्रेकफास्ट इज रेडी, यू टू डू परिक्रमा एट वन Go outside and take some breakfast. And very quickly, before 7:30, you should go further. Go Pranamasya. Your glasses, purse, anything, you will have in your hand. Monkeys, they will come. They are so naughty, not less than Krishna. So they will snake everything. So you should be very careful. Hare Krishna. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Hare
Trees
creepers, etc. But secret place, and because Radharani and Krishna, they perform their confidential pastime, so it is called Nikunj place. He has uttered one name from scriptures, Sanjeevani. Sanjeevani means who cures all. Sanjeevani is in fact a medicine which gives life. It cures all the diseases, rather even a person who is about to die, it gives life. So Radharani is Sanjeevani. Sanjeevani for Krishna. So Sanjeevani is a medicine. Booty, it is a plant. Herb, it is a herb. Sanjeevani is herb. Another name he is calling from scripture for Radharani is Krishna Basati. Krishna Krida Basati Nagari. Krishna Krida Basati Nagari. For Krishna's pastime, she is Basati Nagari. You know, Nagari means town, and Basati, which is fully populated and opulent. So she is an opulent sort of playground for Krishna's pastimes. All the pastimes are centered around Radharani. So this is very important place. She is Mahabhav Savrupa. Mahabhav Savrupa means her constitution, she is constituted of the ingredients, her parts, her constitution is of Mahabhav. So she is called Mahabhav Savrupa. एक समय और भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये ललिता कुंड है. ललिता कुंड अर्थात एक समय की वृंद की गौर प्रमाण. चलिए Thank you.
स्थान का नाम है इमली तला। यहाँ पर इमली यानी सेतु इमली का वृक्ष है। ये इमली का पेड़ था, अब सूख गया जी ने है, और दो तीन महीने तक सही तरीके वृंदावन आदि स्थानों का दर्शन किया। ऐसे तो We have come to this place which is called Imli Tala. Tala means bottom, in fact. Come, Devi. Tala means bottom, and Imli is a tree. Tamarind. This is very famous tree. This tree is in fact it belongs to 5,000 years before. Not the same tree. It has died. And a few days before we came here with Maharaj said that I gave a tree. A small plant to this mud again, and it was again planted over here, and this new tree is coming out. So these trees of Vrindavan are very famous. Maharaj was telling, we have to honor it. The old one is also being kept like it is, and these trees in fact belong to the time of Krishna's about 5,000 years before. They are in continuation. If one goes, the another comes. One goes, in another comes like that. Prabhuji is saying that when Krishna, in severe feeling of separation, came to this place, separation with Radharani came to this place. Radharani went away from Ras Lila in man with anger, and Krishna is looking. After looking for her, he came here, sat down beneath this tree. So this place where he sat down is called bottom, that is tala. Tala is bottom, as there is a bottom of any pot. So Krishna sat down here, started remembering Radharani so intensely, so much with absorption, that his complexion starts changing into Radharani's complexion. And he became fair complexion person. So Prabhuji is saying this is the place of prem vivat, where love becomes so much intense that your complexions become different as you are. Vivat means it goes otherwise. So in Ras Lila there are a few trees being mentioned. They are I don't know English of these names. People ka ped. Can anyone translate in English? Banyan tree. Banyan means bud. Bud. And people we don't know. And another is Moli Shri. So these four, five trees and in even Imli. These trees has been mentioned. When Chaitanya Mahaprabhu came to this place, he tried to come to Vrindavan two times. First time when he came with so many people along with him. Then Sanatan Goswami stopped him to go with so many people. He said, you will go in your own personal bhav. It won't be better if you go with so many people. So again he came. Then he came alone through path of jungles. At that time this place was not at all habited. It was totally dense jungle. And when Chaitanya Mahaprabhu came, he stayed at nearby place which is called Bathrol. And from that Bathrol, this Bathrol is in fact junction of Vrindavan and Mathura. So from Bathrol he used to come here daily and sit here daily in memory of Krishna's this pastime when Krishna is remembering Radharani. But Chaitanya Mahaprabhu could not stay in Vrindavan for a long time because when he came, he could not conceal his bhav. In fact, he is Krishna himself, but he has taken Radharani's bhav.